कॉलेज की छात्राओं और जागरूक महिलाओं के साथ समाज को जागरूक करने के लिए यात्रा निकाली। वर्षा जायसवाल ने बताया, बलात्कार गैंग रेप जैसी स्थिति समाज के नाम पर सबसे बड़ा धब्बा है। और हमारा कर्तव्य बनता है कि समाज की सहभागिता अनिवार्य है, समाज में रहने का दायित्व है। समाज में रहने का ये तात्पर्य नहीं है कि हम समाज में रहकर समाज की रोटी खा रहे हैं और हम लोग कुछ भी समाज के लिए नहीं करें। समाज के लिए हम लोग को जागरूक होना है, अगर ये कार्य चीज को आगे आना है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जब बेटी बचेगी नहीं तो बेटी पढ़ेगी क्या? ये आए दिन रोज यूपी में घटनाएं घटती जा रही है, लेकिन इस पर कोई कानून व्यवस्था कानून प्रशासन खड़ा ही नहीं हो रहा है। किसी न किसी केस को लेकर जो है हमेशा भीड़ होता है, तो कानून को सजा बलात्कारियों को सजा कानून के द्वारा ना देकर बल्कि समाज की बेटियों के द्वारा ही दी जानी चाहिए, यही हम लोग की सोच है।